तब हम बात करते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले हमने बात की थी, हमारे पहला जो कांसेप्ट था वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, हमने नॉलेज को समझा, फिर हमने उस टेक्निक्स को पढ़ा था और उस टेक्निक्स के अंदर हम डीप डाइव जाएंगे और समझेंगे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको कुछ कंडीशन दी हुई होती है और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें कंक्लूजन ड्राइव करना होता है। तो सपोज मैं आपको यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ, सपोज C1, C2, C3 कुछ कंडीशन है और इन कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारा कंक्लूजन यानी फाइनल समरी। जैसे सपोज एक चीज बताते हैं कि एक डॉग है, उसका नाम सपोज अपन बी से है, ठीक है, फिर जो दूसरा है वो क्या है कि उस डॉग के चार पैर है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि उस नाम वाले डॉग के चार पैर है। तो कुछ इससे मैंने आपको कुछ कंडीशंस दी, उससे आपने क्या किया, कुछ कंक्लूजन डिराइव किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट के ऊपर जो की है कि इसमें एक्चुअली में हो क्या है। हम एक सेंटेंस को तोड़ते हैं दो चीजों के अंदर या उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो चीजों के अंदर, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। सिंटैक्स क्या होता है, हम ये बताते हैं कि एक सिंबल का क्या काम होगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में। जैसे सपोज ये एक सिंबल है तो इसका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या काम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे सी लैंग्वेज में, तो इसका एक काम है, या अगर मैं इस सिंबल की बात करूं तो उसका भी एक काम है सी लैंग्वेज में। तो ये जो सिंबल है इसका क्या काम होगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, वो आता है आपका सिंटैक्स के अंदर। अब बात करते हैं सिमेंटिक्स के अंदर, तो सिमेंटिक्स बेसिकली वो रूल्स है जिससे आप एक सेंटेंस को सिमेंटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ऐसे रूल्स जिससे एक सेंटेंस को सिमेंटिक्स के अंदर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर बात की जाए एडवांटेज की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लॉजिकल रीजनिंग में बहुत मदद करता है। जैसे अगर वो पी और क्यू वाले से क्वेश्चन आते हैं, पी ने ये बोला, क्यू ने ये बोला, पी डिस्जंक्शन क्यू, अगर ये अपन जो करते हैं तो बहुत मदद करता है, ठीक है। सेकंड, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स है, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करते हैं उसका बेसिक, बिकॉज हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंबल का क्या काम होगा ये भी बता रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्टिकुलर वर्ड से क्या चीज होगी या उस सिंबल के कलेक्शन से क्या चीज होगी, वो आप बताते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से। बात करिए सेकंड की या डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस का ये है कि कुछ सिचुएशंस के अंदर और कुछ ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर ये फेल हो जाता है वर्क करना, यानी कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन है और कुछ चैलेंजेस भी है इसको वर्क करने के साथ साथ। अगर बात करें टेक्निक्स के अंदर, तो जो टेक्निक्स होती है, ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये जो टेक्निक्स है दे मे नॉट बी नेचुरल, यानी ये नेचुरल नहीं लगती, यानी जब हम यूज करते हैं तो इतना अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे नॉलेज को। तो ये है अपना लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये दो तरीके का होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, दो तरीके का होता है, पहला होता है प्रीपोजिशनल लॉजिक और दूसरा होता है प्रेडिकेट लॉजिक। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दो टाइप्स कौन से हैं, प्रेडिकेट लॉजिक और प्रीपोजिशनल लॉजिक क्या चीज है वो हम समझते हैं। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए।